तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के इंस्टा लोन के बारे में। अगर आपको जानकारी नहीं है कि एचडीएफसी बैंक का इंस्टा लोन क्या होता है तो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले कैसे आपको इंस्टा लोन का ऑफर आएगा आपके बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, कैसे आप उसे अवेल करेंगे। अगर आप उसे 6 महीने या फिर 12 महीने की ईएमआई में अगर लेते हैं तब आपको वहां पर कितना चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वहां पर आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या होने वाली है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। और अगर जब आप जो है इंस्टा लोन ले लेते हैं तब आप उसे रीपेमेंट कैसे करेंगे ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंस्टा लोन होता क्या है। जब आपको एचडीएफसी बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, कोई भी क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, जब आपको बैंक की ओर से मिल जाता है तब आप उस लिमिट को जब यूज करते रहते हैं रेगुलर, जब उसे रीपेमेंट करते हैं टाइम टू टाइम, उसके बाद आपको इंस्टा लोन का ऑफर आ जाता है। इंस्टा लोन ऑफर आपका वह होता है जब आपकी क्रेडिट लिमिट मान लीजिए अगर 40,000 रुपये है, आपको इंस्टा लोन का ऑफर आ जाता है 25,000 रुपये का, जिसको आप सीधे जो है डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंस्टा लोन ऑफर जो है अवेल कर लेंगे वह लिमिट आपकी ब्लॉक हो जाती है। यानी कि अगर आप 40,000 रुपये लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड में मिली है, 25,000 जैसे ही आपने बैंक अकाउंट में लेंगे इंस्टा लोन के रूप में, तो आपकी 25,000 रुपये की लिमिट जो है ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो बची 15,000 रुपये की लिमिट आप उसे ही अपने ऑनलाइन ऑफलाइन यूज कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से, आप 15,000 रुपये से ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। जब आप उसे टोटल रीपेमेंट कर देंगे उसके बाद आप फिर से जो है 40,000 रुपये की लिमिट जो है यूज कर पाएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन। इस तरह से आपका इंस्टा लोन ऑफर होता है क्रेडिट कार्ड के बेस पे। तो आप जो है जब भी इस लोन को अवेल करें तो आपकी क्रेडिट लिमिट ब्लॉक हो जाएगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपने इंस्टा लोन के ऑफर को चेक करेंगे और कैसे आप उसे अवेल कर पाएंगे। अपने ऑफर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अगर आपके सामने ऐसे पॉपअप आ जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं अपने ऑफर को आप देख पाएंगे। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर फेस्टिव ऑफर लिखकर के आ रहा है, गेट इंस्टेंट 45,000 लोन ऑन योर क्रेडिट कार्ड एट अ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर आप देखते हैं नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं देना है। और यहाँ पर फ्लैट जो है 999 रुपये प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर हमारी लगने वाली है। और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आ रहा है, अगर आप इसे यहाँ पर डोंट शो अगेन कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर पॉपअप भी ऐसे शो नहीं करेगा। तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पर ऑफर शो कर जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये ऑफर नहीं शो करता है तब आपको अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देखते हैं हमने अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के हमारे लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं एलिजिबल फॉर अ लोन, यहाँ पर बताया जा रहा है गेट द बूस्ट यू नीड विद अ लोन ऑन क्रेडिट कार्ड 0 पेपर वर्क लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह से यहाँ पर आपके सामने ऐसा जो है मैसेज आएगा। उसके बाद आपको यहीं पर जो है टैप कर देना है अपने ऑफर को चेक करने के लिए। अगर आपको मेल या फिर मैसेज नहीं आता, अगर आपके सामने से पॉपअप भी नहीं आता है तो अपने ऑफर को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है मेन्यू का, तो आपको मेन्यू के ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आप देखते हैं ऐसे आपके सामने यहाँ पर मैसेज का बॉक्स बन के आएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं जो भी आपके ऑफर होंगे आपके सामने यहां पर शो कर जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं सबसे ऊपर यहां पर हमें ऑफर शो कर रहा है इंस्टा लोन इज अप्रूव्ड, इस तरह से यहां पर आपको ऑफर शो करेगा गेट रुपीज 45,000 लोन ऑन योर क्रेडिट कार्ड 7849 अप्लाई नाउ। इस तरह से आपके सामने यहां पर पूरा इसका ऑफर शो कर जाएगा। यहां पर आप देखते हैं 3 स्टेप में हम इस लोन को ले सकते हैं, लो प्रोसेसिंग फीस होगा, नो डॉक्यूमेंटेशन होगा, 3 स्टेप प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पर आप देखते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो क्रेडिट कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन मिल जाएंगे, इनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को एंटर करके आपको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर आप देखते हैं हमें वहाँ पर 45,000 शो कर रहा था, लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं यू विल रिसीव 32,593 रुपीज। इस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर हमारी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर शो कर रही, जैसे जैसे हम पूरा करना चाहें तो यहाँ पूरा कर सकते हैं, इसको फुल कर सकते हैं अमाउंट को। अगर यहाँ पर हम मिनिमम अमाउंट लेना चाहें तो यहाँ पर देखते हैं मिनिमम अमाउंट यहाँ से हम 10,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने यहाँ पर पूरा डिटेल्स निकल के आता है, जो भी आप अमाउंट रखना चाहें यहां से आप रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर 20,000 कर दिया है। अब आप यहां पर देखते हैं यहां पर हमें ईएमआई के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक, यानी कि हम यहां पर 12 महीने 24 महीने 36 महीने किसी भी मंथ में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें जितने महीने के लिए इसको अमाउंट को लेना है। तो हम यहां पर 12 महीने के लिए ही मान लीजिए कर लेते हैं। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे यहां पर हमारी जो ईएमआई आने वाली है पर मंथ
1836 रुपए की आने वाली है। इस पर जो प्रोसेसिंग फीस हमें देना होगा 999 रुपए हमारी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस होने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 1.52% यहाँ पर लगने वाला है। और जो पर एनम हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा 1.84% पर एनम यहाँ पर हमें चार्ज देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो कर जाएगा, जो आपका अकाउंट है यानी कि आपका जो भी एचडीएफसी बैंक अकाउंट होगा यहाँ पर आपके सामने शो कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन मिल जाएंगी, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, डिड एचडीएफसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव हेल्प यू, अगर आपको किसी जो है एचडीएफसी बैंक के कस्टमर ने कॉल किया तो आपको यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते इसे नो रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से आपके सामने यहाँ पर पूरा एग्रीमेंट आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोन अमाउंट हमारा 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है और इस पे आपका टोटल जो है चार्ज कितना रहेगा, पे करना कितना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखते हैं, अगर इसे 12 महीने के लिए कन्वर्ट करते हैं तब हमें यहाँ पर 23,031 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि लगभग हमें 3,000 रुपए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा अगर हम इसे 12 महीने के लिए लेते हैं 20,000 रुपए को। इस तरह से आपके सामने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दूसरा बॉक्स आपको मिल जाएगा टर्म एंड कंडीशन का, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको एंटर करके वेरीफाई कर देना है और चंद सेकंडों में आपके अकाउंट में वह मनी जो है, जो भी आपने यहाँ पर लोन अमाउंट लेंगे वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर जाएगा। इस तरह से आपको जो है अपने इंस्टेंट लोन को अवेल कर लेना है। इस तरह से आप जो है 2 मिनट के अंदर ही अपने इंस्टेंट लोन को आप अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आपने इंस्टेंट लोन को अवेल करेंगे आपकी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 20,000 रुपए लेते हैं तो हमारी 20,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट ब्लॉक हो जाएगी। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इंस्टेंट लोन लेंगे तब आपका जो क्रेडिट लिमिट होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, जब आप इंस्टेंट लोन को अवेल कर लेते हैं तब आप उसे कैसे चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में। तो सबसे पहले आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर मेन्यू के ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पे के ऑप्शन में जाना है, फिर आपको यहाँ पर कार्ड के सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर आपके सामने जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होगा वो शो हो जाएगा। उसके सामने आपको ऐसे डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो हो जाएगा, टोटल लिमिट शो हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 60,000 रुपए। इस तरह से यहाँ पर आपके सामने आपके क्रेडिट कार्ड की पूरी हिस्ट्री शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड कर देना है। स्लाइड करते ही आपके सामने इस तरह से जो है आप नीचे देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर इंस्टा लोन हमारा एक्टिव है, यहाँ पर इस तरह शो कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोन अमाउंट हमारे यहाँ पर 30,000 है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे यहाँ पर 20,662 रुपए है और देख रहे हैं यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट जो हमारी जा रही है 2,783 रुपए जा रही है। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर हमारा लोन अमाउंट क्लोज हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर आपके सामने जो भी आपका लोन अमाउंट होगा इंस्टा लोन का वो यहाँ पर इस तरह से शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। अब आपको इसकी सारी डिटेल्स देखनी, लोन अकाउंट नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोन अकाउंट के नंबर पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ईएमआई की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से आप उसकी ईएमआई के डिटेल्स देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसका बिल आपको कैसे आएगा। इसका बिल आपका जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होकर के आता है उसी में आपका ये ईएमआई भी उसी में ऐड होकर के आएगी, जिसका आप रीपेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का सेम आपको उसी में जो है ऐड होकर के आएगी और उसके बाद आपको रीपेमेंट करना होता है। यानी कि जैसे हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको ऐसे ही पूरा पेमेंट कर देना है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट। इस तरह से आपको जो है उसी में ऐड हो जाएगा, यानी कि जो भी आप स्पेंड करेंगे उसके बाद आपकी ईएमआई आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड होकर के आएगी, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ऐड होकर के आएगी, उसका आपका फुल पेमेंट जो है कर देना है। तो आपका एक ही स्टेटमेंट दोनों जो है बिल जनरेट होकर के आता है जिसका आप रीपेमेंट करेंगे। इस तरह से आप जो है अपने इंस्टा लोन को यूज करेंगे, ऐसे आप रीपेमेंट करेंगे, कैसे अपना बिल चेक करेंगे, सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं।